एबीपी न्यूज के यूपी ब्यूरो चीफ पंकज झा को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक डी और पी ये वो दो शब्द हैं जिसके दम पर बीजेपी चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। कल सीएम योगी ने बाकायदा यूपी के विधायकों को ये मंत्र भी दे दिया है। अब ये मंत्र उनके कितना काम आता है ये तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि बीजेपी देश के सबसे बड़े प्रदेश को जीतने का क्या प्लान बना रही है। मंगलवार यानी 28 अगस्त को दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम को 11 घंटे तक गुरु मंत्र दिया और इस गुरु मंत्र को कल शाम सीएम योगी ने अपने विधायकों के साथ साझा किया। खबर है कि डिनर के बहाने कल शाम हुई इस बैठक में विधायकों को 2019 के चुनाव के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी के सभी विधायकों की ड्यूटी लगा दी गई है। 5 महीने में 1 लाख गांव तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। हर विधायक 250 गांव में जाकर पार्टी को मजबूत करेगा। हर गांव में 10 SC और 10 पिछड़ों को पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इन ब्रांड एम्बेसडरों के जिम्मे ही लोकसभा चुनाव में प्रचार और बूथ प्रबंधन होगा। विधायक गांव-गांव का दौरा कर लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। स्वच्छता ही सपना है के बारे में भी बताएंगे। 28 तारीख को दिल्ली में पीएम के साथ हुई बैठक के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2019 में 73+ सीट जीतने के लिए फुल प्लानिंग हो रही है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी फिर से बड़े बहुमत से आ रही है। उत्तर प्रदेश में 73+ रहेंगे। गठबंधन महागठबंधन की बात हम नहीं, हम लोग 51% 100% में से जो 100 वोट पड़ेगा उसमें 51 बीजेपी को पड़े, इस रणनीति पे काम हम लोग पहले शुरू कर चुके हैं। इसके बाद कल रात डिनर बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और संगठन मंत्री सुनील बंसल ने नेताओं को चुनावी टिप्स दिए। विधायकों को कहा गया महीने के 30 में से 10 दिन वो पार्टी को दें। इन 10 दिनों में हर दिन 5-5 गांव का दौरा करें। इस तरह हर महीने 50 और 5 महीने में 250 गांव का दौरा करेंगे। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी के नेता जनवरी महीने के अंत तक यूपी के करीब 1,750 गांव का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पिछड़ों और एससी के खास समूह पर ध्यान दे रही है। गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव एससी पर बीजेपी का पूरा फोकस है। 2014 के चुनाव में इस समुदाय ने पार्टी का साथ दिया था और अगर 2019 के चुनाव में भी इस समूह ने बीजेपी का साथ दिया तो फिर बीजेपी अपने विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। लेकिन बीजेपी के इसी समीकरण को तोड़ने के लिए अखिलेश और मायावती गठबंधन बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि गठबंधन बन ही जाएगा, लेकिन सवाल सियासत में जिंदा रहने का है, इसलिए कोशिश जारी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।